आज जो हम देख रहे हैं वो हमारे पास डॉकर्स हैं। ये आपके पास डॉकर्स हैं, अगर आपने इंस्टॉलेशन करनी है कि आपने अपने सिस्टम में कंटेनर्स इंस्टॉल करने हैं, तो आप डॉकर्स की वेबसाइट पर जाके या एलेक्सी की वेबसाइट पर से जाके उनका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके उसे अपने सिस्टम्स के ऊपर इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, ये आपके पास डॉकर्स की स्पेसिफिकेशंस आ जाती हैं। नेक्स्ट आप देखते हो तो आपको डॉकर्स में क्या चीज़ें मिलती हैं कि ये किस तरह से काम कर रहे हैं या इनकी क्या स्पेसिफिकेशन हो सकती हैं। तो डॉकर इज अ सेट ऑफ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस प्रोड्यूसेस द ओएस लेवल वर्चुअलाइजेशन टू डिलीवर सॉफ्टवेयर पैकेजेस कॉल्ड कंटेनर्स। ये जुमला आप लोगों को क्लियर है, सेंटेंस क्लियर है, कि मैं भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि डॉकर्स आपके पास कंटेनर्स हैं। डॉकर्स वॉज फाउंडेड बाय हाइक्स एंड सेबास्टियन फैल। कंटेनर्स आइसोलेटेड फ्रॉम वन एंड अदर बंडल देयर ओन सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल्स। अगर आपके पास एक सिस्टम में डॉकर्स इंस्टॉल्ड हैं हार्डवेयर के ऊपर और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, तो ये डॉकर्स या कंटेनर्स एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंटली काम करेंगे, एक दूसरे की चीज़ों के साथ इंटरवीन नहीं करेंगे, एक दूसरे के सॉफ्टवेयर या अपनी असेसमेंट को बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे अब आप कहते हो कि अगर इन्होंने एक दूसरे से कम्युनिकेशन भी करनी है ना, तो ये प्रॉपर चैनल के जरिए, वेल डिफाइंड चैनल्स के जरिए कम्युनिकेट करेंगे, ताकि एक दूसरे के सेटअप को या एक दूसरे की यूजर स्पेस को ये टारगेट ना कर सकें, किसी किस्म की कोई मलेशियस एक्टिविटी इसमें ना हो सके। फिर आप कहते हो कि डॉकर्स आपके पास सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम, कर्नल के साथ काम करते हैं, देयरफॉर यूज फ्यूअर रिसोर्सेज कंटेन देन वर्चुअल मशीन्स। एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है और आपके पास एक ही हार्डवेयर है और उसके ऊपर आपके डॉकर्स या ऑपरेटिंग कंटेनर्स हैं वो काम कर रहे हैं, तो आपके पास क्या यहाँ पे सोल्यूशन, आपको क्या बेटरमेंट मिलती है कि वर्चुअल मशीन्स की नस्बत ये थोड़े कम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल है और वो सिंगल यूजर्स मल्टीपल यूजर्स पे एक ही कर्नल जो है कमांड कर रहा होगा। फ्री भी हैं, प्रीमियम टीयर्स भी हैं इन दोनों सर्विसेज के, आप लोगों को जो सूट करता है। फ्री सर्विसेज को आप लोग इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम्स के ऊपर एज एन असाइनमेंट, और फिर उसके बाद आप देखते हो तो आपको मिलेगा द सॉफ्टवेयर दैट होस्ट द कंटेनर इज कॉल्ड कंटेनर इंजन। हम कंटेनर इंजन को, ये डॉकर इंजन कहलाता है, हम कंटेनर इंजन को रीड कर चुके हैं। फर्स्ट डेवलप आपकी डेवलपमेंट जिसकी कब हुई थी, ये डॉकर INC की 2013 में हुई थी। अब इसमें आप देख लेते हो कि आपके पास डॉकर इनेबलिंग एप्लीकेशन डेवलपमेंट एफिशिएंसी, मेकिंग डेवलपमेंट मोर एफिशिएंट, एलिमिनेटिंग वेंडर लॉक इन विद द ट्रू पोर्टेबिलिटी। आपको ये कुछ फीचर्स हैं कि जिसमें आपके पास पोर्टेबिलिटी भी आपको मिलेगी, एफिशिएंट भी है। ओपन सोर्स लॉन्च 2013 में हुआ, बिलियन डाउनलोड्स आपकी हो चुकी हैं इमेज की। ओपन कॉन्ट्रीब्यूटर आपके पास 2000 कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं और 2 टॉप मोस्ट इसमें आ जाते हैं। 185 कम्युनिटीज है, ये यूजर ग्रुप है जो इन सब चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। ओपन डिजाइन कॉन्ट्रीब्यूट इंक्लूड IBM भी कर रहा है, रेड हैट भी कर रहा है, गूगल कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट कर रहा है, VMware कर रहा है, AWS, Rackspace एंड अदर ओपन अदर ऑर्गेनाइजेशन आर यूजिंग और सपोर्टिंग डॉकर्स। ओपन गवर्नेंस आपके पास है, 12 मेंबर गवर्नेंस एडवाइजरी बोर्ड सेलेक्टेड बाय द कम्युनिटी। आपके पास 12 मेंबर्स की कम्युनिटी बोर्ड भी इसमें अवेलेबल हैं जो डॉकर्स। दिस इज अबाउट ऑर्गेनाइजेशन। डॉकर्स को आप देख सकते हो तो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, डॉकर्स हैं, और उसके ऊपर आपकी मजीद एप्लीकेशन रन हो रही होती हैं। दिस इज वेरी मच सिमिलर विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू। फिर आपके पास आ जाते हैं कि डॉकर का मिशन क्या है। Docker is an open platform for building distributed application development and system administration. यहाँ पे आपके पास आता है कि भाई ये run कहाँ पे होती हैं? Ship building कहीं पे भी आप इसे run कर सकते हो। सबसे पहले आप इसे build करेंगे, फिर आप इसकी shipment करेंगे, उसके बाद आप इसे run कर लेंगे। Applications कौन सी हैं? आपके पास किसी भी किस्म की application जो है उसके ऊपर ये run हो सकता है। Anywhere इसका मतलब है कि Docker's, OpenStack, VMware किसी भी सिस्टम के ऊपर इसको आप रन कर सकते हो। देन आपके पास आ जाती है कि Docker's की बेसिक्स क्या हैं।
आपके पास बेसिक्स में आ जाते हैं कि डॉकर इमेजेस लाइट वेट स्टैंड अलोन एग्जीक्यूटेबल पैकेज। इसमें आपको कोड रन टाइम सिस्टम टूल मिलेंगे, सिस्टम लाइब्रेरीज और सेटिंग्स मिलेंगी। डॉकर कंटेनर्स दैट रन अ डॉकर इंजन हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। व्हाट आर दोस? स्टैंडर्ड, लाइट वेट एंड सिक्योर। डॉकर क्रिएटेड द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कंटेनर्स। लाइट वेट कंटेनर्स शेयर द मशीन ओएस सिस्टम कर्नल एंड देयरफॉर डू नॉट रिक्वायर एन ओएस प्री एप्लीकेशन ड्राइविंग इट। ऑलरेडी मैं आप लोगों को ये बता चुकी हूँ, एप्लीकेशन आपकी सिक्योर आर सिक्योर इन कंटेनर्स। डॉकर प्रोवाइड्स द स्ट्रॉन्ग डिफॉल्ट आइसोलेशन कैपेबिलिटी बट इट डज नॉट प्रोवाइड द सिक्योरिटी मैकेनिज्म। कंटेनर यूजुअली डोंट सपोर्ट सिक्योरिटी मैकेनिज्म बट यस इट इज प्रोवाइडिंग द फीचर ऑफ आइसोलेशन। इसके बाद आपके इमेजेस किस तरह काम करते हैं, आपको जो पता है कि जब रेस्ट आइडल फॉर्मेट के अंदर आपकी फाइल पड़ी हुई है तो ये फाइल आपकी क्या कहलाती है, आपकी इमेज कहलाती है। डॉकर के इमेज स्नैपशॉट हो सकते हैं, रीड ओनली स्नैपशॉट होते हैं, स्टोर्ड इन डॉकर हब टू यूज एज अ टेम्पलेट और बिल्डिंग ब्लॉक। कंटेनर्स आपके पास हैं, स्टैंडर्ड यूनिट हैं, एप्लीकेशन सर्विस रिजाइड्स और ट्रांसपोर्टेड। डॉकर हब की रजिस्ट्री है, अवेलेबल है, आप लोग डॉकर हब को जाके सर्च करोगे तो वहाँ पे डिफरेंट इमेजेस के साथ भी काम कर सकते हो। सास एंटरप्राइज टू डिप्लॉय एवरीवेयर यू चूज स्टोर्स डिस्ट्रीब्यूट एंड शेयर कंटेनर्स। देन कम्स डॉकर इंजन, अ प्रोग्राम दैट क्रिएट्स शिप एंड एप्लीकेशन कंटेनर्स। डेफिनेटली आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है कि भाई कंटेनर इंजन होते हैं जो इसको रन करते हैं और इसके साथ काम करते हैं। क्लाइंट कम्युनिकेशन विद इंजन टू एग्जीक्यूट द कमांड, यहाँ पे आपके पास कंटेनर इंजन काम करेंगे। फिर आपके पास आ जाता है कि डॉकर इंजन है, डॉकर इंजन क्या टास्क परफॉर्म करते हैं या ये किस तरह से अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे हैं। कंटेनर रन टाइम है, रन करते हैं सेंट ओएस, डेबियन, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन हो सकते हैं। डॉकर क्रिएट सिंपल टूलिंग, आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोचेस, पैकेजिंग या डिपेंडेंसीज इनसाइड कंटेनर इज देन रन ऑन डॉकर इंजन। आपकी एक डिपेंडेंसी आ जाती है कि जितनी भी एप्लीकेशन आपने रन करनी है वो फिर आपकी डॉकर इंजन से रेलेवेंट ही होनी चाहिए। डॉकर इंजन आपको इनेबल करता है कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन के लिए और आपकी कंसिस्टेंटली सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ये आपके पास कंटेनर, डॉकर बिल्ड, नेटवर्किंग, वॉल्यूम ऑर्केस्ट्रेशन और सिस्टम की जो भी चीज़ें हैं वो आपकी डिफरेंट प्लगइन्स जो हैं वो डॉकर इंजन के साथ, डॉकर एपीआई, डॉकर सीएलआई आपकी काम कर रही है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जनाब के डॉकर स्टोरेज टाइप क्या होती हैं। रजिस्ट्री, कोल्ड स्टोरेज ऑफ कंटेनर इमेज और ग्राफ्स आपको मिल रहे हैं, रजिस्ट्री आपको मिल रही है, ग्राफ्स मिल रहे हैं और वॉल्यूम मिल रहे हैं। स्टोरेज टाइप्स आपको इसमें रजिस्ट्री में मिलेंगे, ग्राफ्स में मिलेंगे और कंटेनर के वॉल्यूम्स आपको मिल रहे हैं। फिर आपके पास आ जाती है कंटेनर अडॉप्शन, किन चीज़ों को अडॉप्ट किया जा रहा है। डॉकर हब पुल इज डाउनलोड फॉर अ कंटेनर इमेज, ये आपके पास टेक्निक है। 650,000 यूजर्स जो हैं 650,000 यूजर रजिस्टर्ड हो चुके हैं, 37 बिलियन कंटेनर्स की डाउनलोड हो चुकी हैं। 150% पर मंथ इसमें आपको ग्रोथ मिलेगी, लोग इसकी तरफ मूव कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यूबरनेटिस आपको क्या टास्क देते हैं, क्यूबरनेटिस क्या काम करते हैं, इनको हम देखते हैं अगर तो क्यूबरनेटिस आपको बताते हैं कि इज एन ओपन, क्यूबरनेटिस इज एन ओपन सोर्स कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम। यानी कंटेनर्स को अगर आपने ऑर्केस्ट्रेट करना है तो आपको कंटेनर्स की ऑर्केस्ट्रेशन के लिए जिस सिस्टम की जरूरत है वो क्यूबरनेटिस कहलाते हैं। सिस्टम फॉर ऑटोमेटिंग एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट स्केलिंग एंड मैनेजमेंट। क्यूबरनेटिस ओरिजिनेट कहाँ से होता है, ग्रीक मीनिंग से, जिसके मीनिंग हेल्पमैन और पायलट की हैं, ठीक है। इट ओरिजिनली डिजाइन बाय गूगल, नाउ मेंटेन्ड बाय द क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन। गूगल ओपन सोर्स क्यूबरनेटिक प्रोजेक्ट जो है वो 2014 में स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा क्यूबरनेटिस इज पोर्टेबल, एक्सटेंसिबल एंड सोर्स, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्यूबरनेटिस कंटेनराइज्ड वर्कलोड को मैनेज करता है। इट फैसिलिटेट्स बोथ डिक्लेरेटिव कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑटोमेशन। आपको ऑटोमेटिक प्लेटफॉर्म भी डिप्लॉयमेंट का प्रोवाइड करता है, स्केलिंग एंड
operations of operating systems application containers ke provide karte hai, OSS clusters of the host aapko provide kar raha hai. It has a large rapidly growing ecosystem. Kubernetes service support and tools are widely available. आप इसको कहीं भी जब भी डाउनलोड कर सकते हो. इसके कंटेनर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास क्यूबरनेटिस जो है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, स्पेशली जब आपको मल्टीपल कंटेनर्स को इंस्टॉल करना है. टू मैनेज द कंटेनर्स दैट रन एप्लीकेशंस एंश्योर देयर इज नो डाउन टाइम. आपने कोई डाउन टाइम आपके पास नहीं है तभी आप इसको मैनेज कर सकते हैं. इट प्रोवाइड्स यू विद फ्रेमवर्क टू रन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम रिजिलियंटली. It helps in scaling, handle failover for application, provide deployment pattern. Kubernetes can manage canary deployment. Canary deployment आपके पास ये होती है कि जब आप अपने सिस्टम को डाउनलोड करते हो, सॉफ्टवेयर को रन करते जाते हो या इंस्टॉल करते हो तो एक सेटअप आपका इंस्टॉल होता जाता है. और canary deployment में आपके पास होता है कि अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक के फीचर्स को रिमूव करना चाहते हो तो बाकी सबको हर्ट किए बगैर ये फीचर्स में आपके रिमूव हो सकते हैं या अनइंस्टॉल हो सकते हैं. उसके बाद आपके पास आ जाती है कि इंटेलिजेंट स्केड्यूलिंग है, सेल्फ हीलिंग है. स्केड्यूलिंग भी ये प्रॉपर कर सकता है, अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको ये खुद से या उसके अंदर ऑटोमाइजेशन इतनी ज्यादा होती है कि चीजें आपकी खुद ब खुद हैंडल हो जाए और उसमें जो भी एरर्स आए हैं तो उनको खुद से करेक्ट कर लिया जाए. हॉरिजॉन्टल स्केलिंग आपके पास है, इसमें सर्विस डिस्कवरी एंड लोड बैलेंसिंग कर सकता है. ऑटोमेटेड रोल आइड एंड रोल बॉक्स भी कर सकते हैं. सीक्रेट एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट भी कर सकता है. और आपके पास क्यूबरनेटिस के फंक्शंस जो हैं उसमें आपको मिलेगा कि इंटेलिजेंट स्केड्यूलिंग, सेल्फ हीलिंग, स्टोरेज ऑर्केस्ट्रेशन. Provided the Kubernetes with the cluster nodes that it can use and run containerized tasks. How much CPU and memory and RAM each container needs. Kubernetes can fit containers onto your nodes to make the best use of resources. फिर self healing है आपके पास. Kubernetes restart containers, the fail replaces containers, kills containers, do not respond to the users, define health checks, right? और Kubernetes allow you to automatically mount a storage system of your choice. आप इसको भी देख सकते हो. Services की discovery आपके पास है and load balancing आपके पास ये भी काम करता है. Kubernetes and expose container using DNS name using their own IP. Traffic containers high Kubernetes is able to load balance and distribute network traffic. ये आपके पास दोनों काम करेगा. ऑटोमेटेड रोल आउट एंड रोल बैक्स की भी ऑप्शन इसके पास होती हैं. डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ योर डिप्लॉयमेंट कंटेनर्स यूजिंग क्यूबरनेटिस एंड इट कैन चेंज द एक्चुअल स्टेट ऑफ द, जो मैंने अभी आपको बताया कि अपनी जितनी जिस सेटअप तक जाके इसको जितने पॉइंट्स इसने इंस्टॉल किए हैं उसके बाद जितने पॉइंट्स पीछे फीचर अनइंस्टॉल करने हैं या रोल बैक करना है वो भी हो सकता है. उसके बाद आपको क्यूबरनेटिस अलाउ करता है, स्टोर करता है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को सच एज पासवर्ड एंड टोकन एंड SSH. यू कैन डिप्लॉय एंड अपडेट सीक्रेट्स एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन विद इन रीबिल्डिंग एंड योर कंटेनर इमेजेस. ये आपके पास कुछ ग्राफ हैं जो आपको बताएंगे कि क्यूबरनेटिस की अडॉप्शन क्या है. क्यूबरनेटिस 69% आपके पास काम कर रहे हैं. अमेजोन 20% है. डॉकर स्वाम 18% है. और नोमेड ओरेकल क्लाउड काम कर रहे हैं इनके साथ. क्लाउड फाउंड्री काम कर रहे हैं. देयर आर अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. फिर आपके पास एनवायरनमेंट रनिंग कंटेनर ऑफन आल्सो कॉल्ड रन क्यूबरनेटिस अमेज़न AWS GCP ओपन स्टैक ये सब आपके पास एनवायरनमेंट जो है काम कर रहे हैं. इसके साथ ही आप लोगों का चैप्टर जो है वो हो जाता है एंड. और नेक्स्ट क्लास में जब हम आते हैं तो हम नेक्स्ट उसको स्टडी करेंगे. अभी हम अटेंडेंस मार्क कर लें. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. मतलब काफी स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए थे कि वो ऑनलाइन नहीं हो पाए
और कुछ अभी सैरी की वजह से मैम उठे नहीं है, तो रिक्वेस्ट से आपसे कि आप आज के लिए ऑल प्रेजेंट करते हैं। कितनी क्लासेस में सम्या आप लोगों की ऑल प्रेजेंट की हैं, ईमानदारी से बताओ। मैम शायद वो मैम ये तो सैरी की वजह से कह रहे हैं। एक तो क्लास की टाइमिंग बहुत अजीब है, सुबह सुबह आना पड़ता है क्लास में, तो यूनिवर्सिटी भी तो 6 बजे आते थे अगर सारे सोते हैं। मैम यूनिवर्सिटी सब, में कौन सा प्रेजेंट लगती थी? यूनिवर्सिटी भी तो रमजान में आते ही थे सारे। मैम हमारा एक भी रमजान नहीं आया। ग्रेट, आप लोगों का एक भी रमजान नहीं आया। चलें ऑल प्रेजेंट कर देंगे। नफीस और रहमान तो नहीं है ना क्लास में? हैदर कौन है? यस मैम मैम, हैदर का मैसेज आ गया। अच्छा ठीक है। प्रेजेंट और मैम, मुदस्सर आता है मैम क्लास नफीस में? रहमान नफीस और रहमान कहाँ है। है? मैम यस मैम, नफीस और रहमान आपकी 13 छुट्टियां हैं, आप ऑलरेडी ड्रॉप हो रहे हो जी, क्या रीजन थी?